हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कारमैन। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में जान लेंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा। अब लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता, क्या ही बताओ यार। तो चलिए गाइस, सबसे पहले न्यूज़ की ओर हम देख लेते हैं। जीप मेरिडियन या फिर जीप कमांडर, जो भी आप कह सकते हैं, जो कि असल में जीप कंपास का ही 7-सीटर वर्सन है। इस कार को लेह लद्दाख पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। आप वो इमेजेस अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही बड़ा है और गाड़ी में आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी को देखने में एक VIP कार लगती है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही इस कार को ब्राज़ील मार्केट पर जीप कमांडर नाम पे लॉन्च कर दिया गया है, और शायद से 2022 में इस कार को इंडिया में भी जीप मेरिडियन नाम पे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस कार में आपको इंडिया में दो तरह के इंजन ऑप्शन मिल सकता है, एक है 2 लीटर का डीजल इंजन और दूसरा है एक पेट्रोल इंजन। इस कार का जो राइट हैंड ड्राइव वर्सन है उसको इंडिया में ही प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पर राइट हैंड ड्राइव का चालू है, वहाँ पर भी इस कार को इंडिया से एक्सपोर्ट करा जाने वाला है। जेनेसिस, जो कि ह्यूंडई का ही एक प्रीमियम ब्रांच है जो कि प्रीमियम गाड़ियां बनाती है, और जेनेसिस की गाड़ियां ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसे गाड़ियों को टक्कर देती है। वही जेनेसिस कंपनी अब इंडिया भी आने की सोच रही है, और उनकी एक प्रीमियम सेडान जेनेसिस G80 को इंडियन रोड्स पर देखा गया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर वो इमेजेस देख सकते हैं। रेनो डस्टर, जो कि रेनो का एक 5-सीटर SUV है। इस कार को बहुत दिनों हो गए, लेकिन इस कार का कोई भी फेसलिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन रेनो की तरफ से इंडिया में नहीं लॉन्च किया गया है। लेकिन अब 2022 में शायद से रेनो इस कार का एक 7-सीटर फेसलिफ्टेड वर्सन इंडिया में लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम होगा जॉगर, JOGGER। आप वो इमेजेस अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये कार कैसी होने वाला है। इस कार को फॉरेन कंट्रीज में रिवील कर दिया गया है, जहाँ पर यह डैकिया जॉगर नाम से रिवील्ड हुआ है। असल में डैकिया रेनो का ही एक ब्रांच है। तो शायद से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कार शायद से अगले साल 2022 में इंडिया पर आ सकती है। अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो 2022 किया स्पोर्टेज को अनवील कर दिया गया है यूरोपियन मार्केट पर, और इस साल के आखिर तक इस कार का बुकिंग्स भी ओपन हो जाएगा। इस कार में आपको 3 तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, एक है माइल्ड हाइब्रिड, दूसरा है सिर्फ हाइब्रिड, और तीसरा है प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। 5th न्यूज़ की ओर देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने सिर्फ एक ही दिन में 70 न्यू आउटलेट्स को ओपन किया है। तो आप देख ही सकते हैं कि टाटा मोटर्स कैसे धीरे धीरे ग्रो हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो टाटा नेक्सॉन, जो कि टाटा मोटर्स का ही एक sub-4 meter SUV है, ये कार अगस्त के महीने में top 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट पर 7th पोजिशन पर आई है। और अगर जुलाई के महीने की ओर देखा जाए तो ये कार top 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट पर 9th पोजीशन पर थी, लेकिन पिछले महीने ये कार 7th पोजीशन पर आ गई है। मतलब कि इस कार का जो सेल्स है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो इसके लिए मैं लाख लाख बधाई देना चाहूँगा टाटा मोटर्स को। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो महिंद्रा जो है जैवलिन नाम का एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। असल में ये महिंद्रा XUV700 का ही एक स्पेशल एडिशन होने वाला है, जिसको सीनियर डिज़ाइनर प्रताप बोस खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। असल में ये जो स्पेशल एडिशन है, ये कार ओलंपिक्स पर जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको महिंद्रा की तरफ से दिया जाने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो, इस कार का लॉन्च शायद से 2021 की सितंबर या फिर नवंबर तक हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्स कुरखा का एक न्यू कलर इंडियन रोड्स पर टेस्ट करते दौरान देखा गया है, जो कलर है लाइट ऑरेंज कलर। ये कार सबसे पहले 2022 की ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, और इस कार का जो डिज़ाइन है वो मर्सिडीज G-Wagon से इंस्पायर्ड है। इस कार का इंडिया में लॉन्च शायद से नेक्स्ट ईयर हो सकती है। इस कार में आपको 2.6 लीटर का एक डीजल इंजन मिल सकता है 4x4 के साथ में। किया KY, जो कि किया का एक अपकमिंग MPV है, इस कार को इंडियन रोड्स पर फिर से टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये कार 2022 तक इंडियन मार्केट पर लॉन्च हो सकती है। इस कार में आपको 2 तरह के इंजन ऑप्शन मिल सकता है, पहला है 1.5 लीटर का एक पेट्रोल इंजन और दूसरा है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। और ये कार लॉन्च होने के बाद XL6 और महिंद्रा मुराजो जैसे गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देगा। मारुति सुजुकी जो है वो अपनी 181,000 गाड़ी को रिकॉल किया है।
असल में इन गाड़ियों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स है, इसीलिए उन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। और ये जो गाड़ियाँ हैं उनको मई 2018 से अक्टूबर 2020 के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारा सियाज, अर्टिगा, ब्रेजा, एक्सल 6 और एसक्रॉस वगैरह को रिकॉल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो बजाज पल्सर NS 250 और 250 F को जैसलमेर पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को इंडियन मार्केट पर 1.84 लाख से 2.15 लाख की एक शोरूम प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इस कार में आपको 350 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड मोटर मिल जाता है, जो इंजन 20.2 bhp का मैक्स पावर और 27 nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इस कार में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो ह्यूंडई जो है वो अपनी कॉम्पैक्ट सेडान ऑरा का जो स्पॉयलर है उसको रिमूव करने वाला है। इसके अलावा ह्यूंडई अपनी ऑरा का बेस वेरियंट से बहुत सारा फीचर्स भी हटाने वाला है। यही चल रहा है ह्यूंडई में, मतलब कि सबसे पहले एक फीचर लोडेड बेस वेरिएंट को निकाल देती है और फिर एक पर एक के बाद एक फीचर को हटाता जाता है। क्या ही चल रहा है भाई। नेक्स्ट जनरेशन होंडा CR-V को इंडियन रोड्स पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। वो इमेजेस आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और लास्ट न्यूज की ओर देखा जाए तो ह्यूंडई जो है अपनी 7-सीटर SUV एल्काज़ार का एक न्यू वेरियंट प्लेटिनम ऑप्शनल को इंडिया में 19.63 लाख की एक शोरूम प्राइस में लॉन्च कर दिया है। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, जल्दी ही मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।